सुनिए, मैं आगे आपको सारी सुनाता हूँ, सारी देखना। गौर से, ठीक है? जो मैं तुझे कहना चाह रहा हूँ उसको गौर से सुन। तूने आज के बाद जो है ना साजिद अमीन के बारे में कोई बात नहीं करनी, और जो तूने पेड़ में मारने वाली वीडियो बनाई है ना इसको फटाफट डिलीट कर दे। जब तेरी खैर नहीं है मैं तेरे को उठवा लूंगा तुझे। मुझे सब प्रूफ देखने के बाद, ये सब प्रूफ देखने के बाद आपने फैसला करना है। जैसे मुझे धमकियां मिली हैं कि मैं वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, ये सब वॉइस है, मैं आपको सुनाता हूं, ठीक है? ये जिस मोबाइल से मैं बना रहा हूं, इस मोबाइल से मैंने यहां पे किए हैं, तो अब मैं आपको सारी वॉइसें सुनाता हूं। अब आपने फैसला करना है कि मैं आगे से वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, आपने वीडियो पूरी देखनी है। धमकियाँ मिली हैं ना, जो मुझे धमकियाँ मिली हैं वो मेरे, जिस मोबाइल से मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, इस मोबाइल में मेरा कॉन्टैक्ट था, मेरा व्हाट्सएप इसमें था, तो मैंने वहाँ से अपने दूसरे मोबाइल में फॉरवर्ड किए हैं। ये देखें, मैंने अपने दूसरे मोबाइल में फॉरवर्ड किए हैं, ये देखें, ये देखें। अब प्रूफ के साथ, अब सब कुछ प्रूफ के साथ आपको दिखाता हूँ, और सुन लें आप बातें भी आप सुनना, और अब बताना कि मैं सच्चा हूँ कि झूठा हूँ। मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, मेरी हेल्प करें और मेरी सपोर्ट करें, जितनी हो सके मेरी सपोर्ट करें, आपकी मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हो। ये देख लें, मैं जब से ये आई हैं वॉइसें, मैं उस टाइम का बहुत परेशान हूँ, लेकिन मैं बच्चों की वजह से हूँ, मैं अल्लाह के अलावा किसी डरता। अब आपने फैसला करना है कि मैं वीडियो बनाऊँ आइंदा के बाद इनके खिलाफ या ना बनाऊँ, ये अब आपके ऊपर फैसला है मेरा। बहुत गरीब इंसान हूँ, ठीक है? आप ये वॉइसें सुने, ये बातें सुने, ये सारा प्रूफ आपके सामने लेके आया हूँ कि मैं सच्चा था या झूठा था, ये सारी बातें सुन लें। पहले आपको मैं कह भी रहा था कि आप मुझे सपोर्ट करें और मेरी बात पे यकीन करें, लेकिन आप मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहे थे, तो ये देखें, पहले आप ये सुन लें, ठीक है? उसके बाद आप फैसला करना कि आपने मुझे सपोर्ट करनी है कि नहीं करनी, ये पहले आप ये सुन लें, फिर उसके बाद आप बात करते हैं। जो मैं तुझे कहना चाह रहा हूँ उसको गौर से सुन। तूने आज के बाद जो है ना साजिद अमीन के बारे में कोई बात नहीं करनी, और जो तूने पेड़ में मारने वाली वीडियो बनाई है ना इसको फटाफट डिलीट कर दे। जब तेरी खैर नहीं है मैं तेरे को उठवा लूंगा तुझे। मुझे तुझे मेरा पता नहीं है, और मुझे ये भी पता कि तेरे चार बच्चे हैं, और मेरे लिए बच्चे उठवाना और तुझे उठवाना मिनट का काम है। तूने आज के बाद सितारा और साजिद अमीन के बारे में बात की ना तो तेरी खैर नहीं है, ये मैं तुझे सही कह रहा हूँ। अपने आप को बचा ले, नहीं तो तेरी खैर नहीं है। मैं उसका मल्लेदार बोल रहा हूँ और उसका रिश्तेदार ही समझ ले। तो तुझे मैं सही कह रहा हूँ, ये अपने जो तूने वीडियो बना रखी है इनको डिलीट कर, नहीं तो तेरी खैर नहीं है। तू बच जा, अच्छा रह जाएगा, और हमारे से वो काम ना करवा जो हम नहीं करना चाहते। तो अपने आप को बचा, अच्छा रह जाएगा, और अपनी वीडियो जो तेरी है ना पेड़ पे मारने वाली वो डिलीट कर। ये मैं तेरे को टेक्स्ट कर रहा हूँ और तेरे को वॉइस भी कर दी है। समझ जाएगा तो अच्छा रहेगा, जो तेरी खैर नहीं है। तू शायद जानता नहीं है हम कौन है। क्या कौशल का मामा लगता जो तू उसके बारे में वीडियो बना रहा है? तू मामा लग गया उसका? तुझे जो मैं कह रहा हूँ उस बात को समझ गौर से, और तू शायद जानता नहीं है, ठीक है? अपने आप को बचा, अपने बच्चों को बचा, नहीं तो तेरी खैर भी नहीं है, तेरे बच्चों की भी खैर नहीं है। उनकी रिश्तेदारी है, तू अपना बीच में आके वक्री टांग अड़ाई जा रहा है। चवल ना हो तो और कोई बोल नहीं रहा, तुझे वक्रा हक की आवाज उठाने की पड़ी हुई है। बाद में लोगों को तेरी पड़ी होगी, तुझे किसी की भी नहीं पड़ी होगी। अपने आप को बचा और ठीक रह जाएगा, नहीं तो तेरी खैर नहीं है। लोग दूसरे भी तो हैं यूट्यूब पे जो काम कर रहे हैं, तू सिर्फ कौशल की और सारा यासीन के पेट वाली बातें करी जा रहा है। तुझे शर्म ही नहीं है? दिमाग खराब करी जा रहा है फिर आगे से। अपने आप को सही कर, और ये पेट वाली जो वीडियो है ना इसको डिलीट कर, नहीं तो अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। थोड़े से सब्सक्राइबर और थोड़ी सी वीडियो की खातर, डॉलरों की खातर तुम लोग जो है बातें करी जा रहे हो, ये कोई बात है? अपने आप को बचा, ठीक है? वो उनका घरेलू मामला, तुझे का बीच में आके पड़ी हुई है हक की आवाज उठाने के लिए, वो खुद जाने, उनका काम जाने, ठीक है? मैं तुझे जो कह रहा हूँ उस बात पे अमल कर। अपने आप को बचा, अपने बच्चों को बचा,
तो हमारी फिरकी घूम गई ना, फिर तू भी नहीं बचेगा, ये याद रखी। तुझे मैं उठवा लूंगा और तू याद करेगा कि मुझे किसी ने उठवाया। मुझे पता है कि तू साजिद अमीन के और हमारे इलाके का ही है, ठीक है, लेकिन हमारे इस टाइम इतना फसाद पड़ा हुआ है, मल्लेदार हमारे खिलाफ हो गए, उसके अलावा भी लोग हैं जो हमारे खिलाफ हो गए। तुझे समझ नहीं आ रही, वो पेट वाली वीडियो डिलीट कर, अच्छा रह जाएगा, तेरी मेहरबानी है, नहीं तो तेरे साथ वो होगा जो किसी के साथ नहीं होया होगा। तुझे मैंने उठवा लेना है, फिर तेरी खैर नहीं है। और मैंने अपने बंदे भी लगा दिए तुझे ढूंढने के लिए, लेकिन तू ये बता, तू छुप के बैठ कहाँ पे गया, नजर नहीं आ रहा इलाके में, हैं, निकल गया फिर तू, नजर नहीं आ रहा इलाके में, बता तो सही कहाँ पे है, चलो हमें भी आसानी हो जाएगी। तो ये आपने सारी वॉइसें सुनी आपने, ठीक है, तो मैंने आपको कहा भी था कि मैं झूठ नहीं बोलता, मैंने झूठ कभी नहीं बोला, मैंने जो भी बात की है हक सच की बात की है, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। अब मैंने हक सच की बात की है, तो अब ये साजिद अमीन के जो गैंग वाले हैं, अब पता नहीं ये गैंग वाला है, पता नहीं कौन है, मैं इसको देखा भी नहीं है, ना इसको जानता हूँ, आवाज़ भी पहली दफ़ा सुनी है, तो मैंने उसके लिए हक की आवाज़ उठाई है, लेकिन मैं सच्ची में फिर भी मैं पीछे हटूँगा नहीं, मैं फिर भी नहीं हटूँगा, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आप मुझे जितनी हो सके आप मुझे सपोर्ट करें, आप मेरा साथ दें, मैं गरीब बंदा हूँ, ठीक है, मैं इतना कोई अमीर लैंडलॉर्ड नहीं हूँ, ठीक है, मुश्किल से घर का खाना पूरा होता है और मकान का किराया होता है, और कभी कभी बहुत मुश्किल होती है, बहुत टेंशन होती है, मैं गरीब बंदा हूँ, ठीक है, मैं इतना इतना अपने आप को नहीं कर सकता कि किसी का मैं सामना कर सकूं, लेकिन मैंने सिर्फ हक के लिए आवाज़ उठाई, मुझे नहीं पता था कि मैं हक की आवाज़ उठाऊंगा, मैं हक की आवाज़ उठाऊंगा तो ये होगा मेरे साथ, लेकिन मुझे कोई डर नहीं है, मुझे अल्लाह के अलावा मुझे किसी से भी डर नहीं है, मैं अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता, किसी का भी मुझे खौफ नहीं है, बस आपने मेरे साथ सपोर्ट करनी है, आपने मेरा साथ देना है, ठीक है, अगर आप मेरे साथ हैं, आपकी सपोर्ट मेरे साथ है, तो मुझे कुछ भी नहीं हो सकता, मुझे हौसला मिल जाएगा, मुझे हिम्मत मिल जाएगी, आप सब लोगों की मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, आप मुझे जितनी हो सके मेरी सपोर्ट करें, जैसे मर्जी आप सपोर्ट करें, लेकिन आप मेरी सपोर्ट करें, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ। अब आपको मैंने प्रूफ कहा था कि मैं आपको प्रूफ दूँगा, अब ये देख लें, अब ये इससे बढ़ के और क्या प्रूफ होगा, मुझे ये बात बताएं, इससे बढ़ के भी कोई प्रूफ रह गया, इससे बढ़ के और मैं क्या दूँ आपको प्रूफ, मैं ये मुझे जब से ये मैंने सुनी है बातें, ये सब जब से हुआ है, सच्ची में मुझे वैसे डर कोई नहीं है, मुझे खौफ नहीं है, अल्लाह के अलावा मैं किसी नहीं डरता, लेकिन बच्चे तो है ना, बच्चों की खातिर तो इंसान को थोड़ा सा सोचना पड़ता है, बच्चों की खातिर सोचना पड़ता है, तो बस मैं आपसे ये कहता हूँ कि अब तो आपको यकीन कर लेना चाहिए कि मैं झूठा हूँ या सच्चा हूँ, अगर मैं झूठा होता तो ये इस तरह मुझे कभी भी मेरा नंबर ढूंढ के, मेरे नंबर तलाश करके, तो ये इस तरह मुझे कांटेक्ट ना करते, मुझे इस तरह ना करते, तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आपकी मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, जिस तरह भी आप सपोर्ट करें, मैं बहुत गरीब हूँ, ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बहुत गरीब हूँ, मैं इतना मेरे पर फॉल्ट नहीं है कि मैं अपना घर भी चला सकूं, लेकिन मैंने सिर्फ किया है अल्लाह के आस पे और अपने अपने दिल जिगरे पे, अपनी हिम्मत पे मैंने आवाज़ उठाई है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी सपोर्ट करेंगे, आप मेरा साथ देंगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि अब आगे क्या करना चाहिए, मैं आगे से वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ, ये अब आपके ऊपर फैसला मेरा, अब मेरी जो है ज़िंदगी या जो भी मेरा फैसला है वो आपके ऊपर है, ठीक है, मैं बस।